जैसे सुशांत सिंह राजपूत नहीं फंसे थे। क्या बोल रही हो? रवि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी ये लो। ये क्या है? बच्चा गिरा दो। क्या? तो लो, ये अपने हाथों से मुझे पिला दो। लाओ मैं पिला देता हूँ। मैं रहूंगी। लो पी लो। अरे यार बच्चा गिराऊंगी। उस औरत की वजह से बहुत जिंदगियां तो खराब होंगी ममता, मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश, ये रवि भैया हैं जो कि एक डायरेक्टर हैं, मूवी वगैरह बनाते रहते हैं, एल्बम भी शूट करते रहते हैं, बड़े बड़े जो बजट का एल्बम होता है ये शूट करते हैं, हिंदी हो भोजपुरी हो या हरियाणवी गाना भी ये शूट करते हैं। तो भैया कुछ इनको आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में इनको बहुत ज़्यादा समझाया था, तो कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो जो भैया आप हमको बताए थे ना, आपको शर्म भी बोल रहा है कि लग रहा है, एक बार ऑन कैमरा वो हर चीज़ बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात, क्या कि जो भी लोग डायरेक्टर हैं, जो भी लोग एल्बम शूट कराते हैं या शूट करते हैं, आप लोग सतर्क रहिएगा। इनके साथ अभी जो हुआ है ना, अगर आप लोग सुनिए एक बार अपने से, इनके साथ अभी हो क्या रहा है, कितने मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत नहीं फंसे थे किसी लड़की के चक्कर में, ये भी उसी तरह फंसे हैं। तो एक बार ऑन कैमरा भैया एक बार हर चीज़ आप बताऊँ, क्योंकि मैं एक मूवी शूट करता हूँ, डायरेक्टर भी हूँ मैं, और मेरा काम मूवी शूट का है। मैं किसी लड़की के रिलेशनशिप में पड़ गया था, तो वो मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे को नचा रही है उंगली पे, उसका मतलब खूब मेरे पे खर्चा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। कितने दिन से, शादी के पहले की शादी के बाद से? शादी से पहले से ही रिलेशनशिप चल रहा था मेरा उससे। तो जब उसको पता लगा मेरी शादी होने वाली है, तो वो बहुत नाराज़ हुई थी, उसने मना करा था, पर मैंने बोला नहीं, मेरे घर वालों की मर्ज़ी है कि मेरी शादी हो। तो मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी करेंगे कब, हम कब। प्लस देखिए सर, एक इसमें तो एक प्लस पॉइंट था, उसी से शादी कर ले, तो वो शादी नहीं करना चाहती थी क्या? वो शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने बोला, उसने बोला हम रिलेशनशिप में ही रहेंगे, शादी के लिए उसने साफ मना कर दिया। तो फिर उसने मुझे भी, मैं भी लालच में आ गया, जब इतना खर्चा कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद फिर उससे मेरा झगड़ा होता रहा, सब कुछ। वो बोलती है कि भाई अपने, तुमने शादी करी है, अपनी बीवी को तलाक दो। मैंने बोला मैं क्यों तलाक दूँ, अभी तो मेरे घर वालों ने शादी करी है, अभी उन्होंने खुशियाँ ढंग से देखी भी नहीं है, तो मैं क्यों उसको तलाक दूँ, क्यों तलाक दूँ, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं, मुझसे जो भी खता हुई उसकी मैं तुमसे गलती मान रहा हूँ। देखिए आपके बात को तो हम समझ रहे हैं, जो भी कारनामा था, यानी कि वही लड़की करा रही थी ना, वही लड़की करा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। वो मैंने उसको झूठ बोला, अपनी बीवी को झूठ बोला कि मैंने अपनी माँ के कहने पे, मैंने अपने भाई बहनों के कहने पे मैंने ऐसा किया, तुम्हें दवाइयाँ दी, गलत दवाइयाँ दी ताकि तुम बच्चा पैदा ना कर सको। ये मैंने नहीं कराया था, ये जो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी उसने मुझसे ये बोला था, तुम्हें अपनी बीवी के साथ ये करना है। मैंने बोला नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो। तो उसने मेरे को धमकियाँ दी, मैं तेरे को मरवा दूँगी, मैं तेरे को ये कर दूँगी, मैं तेरे को वो कर दूँगी। तो फिर मैं डर गया, फिर मैं उसकी बातों में आके मैंने ये कदम उठाया। मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे आपसे बस, मैंने आपको इतना कहने के लिए ही बुलाया है कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मेरे भाई एक बार सर, जब आपके घर में हर कोई है, आपकी मम्मी भी थी, भले आज ना मरी है, अपने घर वालों को तो बताना चाहिए कि आप ऑलरेडी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, ना तो उसी समय आप ब्रेकअप कर लेते। उसने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, उसने यही होता है ना सर, मूवी लाइन में ही होता है। बस मैं सुशांत सिंह राजपूत का ही ना हाल हुआ, मैं फंस गया, मैं अभी बंदा अभी ही हो रहा था, वो स्टार बनने वाला था, तले मर गया हो, तो आपके साथ भी वही होगा। मैं बहुत पछता रहा हूँ भाई, तब क्या हमसे क्या मत, इस मुसीबत से निकलना चाहता हूँ मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं तलाक नहीं देना चाहता। वो बोल रही है तलाक देना है, वो बोल रही है जो जिससे मेरा रिलेशनशिप है उसने बोला कि अपनी बीवी को छोड़ दे, अपनी बीवी को तलाक दे, पर वो इतनी सीधी है, इतनी भोली है, मैं उसके साथ ये धोखा नहीं कर सकता, मैं अपने घर वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। बस आप मेरी इतनी हेल्प करो कि
मेरा घर उजड़ने से पहले बच जाए। मेरे माँ बाप अभी बूढ़े हैं, उनको कल को कुछ हो गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। वो एक तो बार अपने बीबी से तो राय लो, देना चाहती है आपको तलाक। तलाक दोनों तरफ से होता है भैया, जब दोनों का मन हो ना तभी तलाक होता है। कि जो मन वो लड़की आपको अपने उंगली पर नचा रही है, आपके पास हर चीज है, एक लड़की सर केस ही ना करेगी आपको, तो आप भी बोलना वो भी थी हम भी थे, बात खत्म। मैं बहुत पछता रहा हूँ बस दोस्त, ना तो केस कीजिए उसके खिलाफ। केस भी नहीं कर सकता, वो धमकियाँ देती है कि तेरे को मरवा दूंगी, तेरे घर वालों को उठवा दूंगी, तेरी बीवी को मरवा दूंगी। तो मेरे लिए सब कुछ वही है ना, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मैं उसके साथ सात फेरे लिए हैं मैंने, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ। उसके घर वाले हैं। आप अपने बीवी को बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? मैंने बुलाया है उनको। तो एक बार बात कीजिए इस मैटर में, हमसे ज़्यादा अच्छा वही बताएंगे। बताइएगा मत कि कैमरा लगा है, क्योंकि वीडियो उस लड़की के लिए भी प्रूफ होगा, जो लड़की बोल रही है ना, ये वीडियो जाके उसको भी दिखाइएगा। देख बस मैं मेरी बीबी अगर नहीं चाहती तो हम कैसे तलाक देंगे उसको, एक बार सबक सिखाएंगे ना हम लोग। हाँ मैं यही चाहता हूँ। उस लड़की को भी बताते हैं हम लोग, अपने बीबी से एक बार बात करो, आप वो देना चाहिए तलाक। माइक है आप छुपा कर रखो, कैमरा लगाई है यहाँ पे, ठीक है बात करो एक बार, वो देना चाहती है कि नहीं तलाक। A few moments later. अरे हेलो रवि। हेलो कैसे हो? ठीक हो? तुमने मुझे फोन करके बुलाया? हाँ क्या रवी? हुआ यहाँ पे? बस ऐसे ही बुलाया मुझे मैंने। तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। क्या गुड न्यूज? मुझे तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज। सच में? जिसका हम वेट कर रहे थे। अच्छा हाँ, रवि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या बोल रही हो? रवि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी सुबह ही पता चला। सच बोल रही हो? मीटिंग हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, तो मैंने पास पड़ोस की आंटी से पूछा तो उन्होंने बोला तू प्रेग्नेंट है, सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। मुझ पे एक रहम करोगी? हाँ रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो। ये क्या है? बच्चा गिरा दो। कैसी बात कर रहे हो रवि तुम? हम दोनों का ही इसमें फायदा है। क्या कुछ फायदा नहीं हो है? सकता जिस चीज के लिए हम इतने दिन से परेशान थे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला नहीं कुछ हो सकता, नहीं कुछ हो सकता। उसको गिरवा दो तुम। क्यों नहीं हो सकता रवि, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी मजबूरी है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरियां हैं मेरी, जो मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब क्या मजबूरी है मुझे बताओ रवि। तुम सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हो? हाँ। शादी से पहले मेरा किसी से रिलेशनशिप था। तुम्हारी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों की मर्जी थी कि मैं शादी करूं। मेरे घर वालों की मर्जी थी, नहीं शादी। घर वालों की मर्जी थी, तुमने शादी कर ली, तो घर वालों की मर्जी से तुम सब कुछ कर रहे थे। ये जो आप मेरे पेट में नन्ही सी जान पड़ रही है, ये क्या होगा? जो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी ना, उसने मुझे धमकी दी है, उसने मुझे धमकी दी है। मैं क्या करूं बोलो, मैं क्या करूं? हम सब कुछ मिलके सॉर्ट आउट करेंगे ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ना, हम उनसे बात क्या करेंगे, उनको बताएंगे। वो कल को मेरे को मरवा देगी, मैं कहीं भी जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं उसी के कहने पे ये सब कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अंता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको गिरा दो, बच्चे गिरा दो। प्लीज ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उस बच्चे को गिरा दो। सुनो मेरी बात सुनो, उस बच्चे को गिरा दो। रवि वो मैं नहीं मानेगी। नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? नहीं करूंगी मैं। क्यों नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? तुम्हारी मर्जी से जीती रहो। हाँ तो बेबी होने दे रहे थे, अभी इतनी बड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है। अभी मुझे चाहिए, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है। हम पापा से बात करेंगे। वो मेरे को नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे बोला है। मैं हम सॉर्ट आउट करेंगे नई चीज को। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं कर सकती। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ मैं, तो खुद परेशानी में पड़ गया हूँ ममता। मैं खुद परेशान। वो कुछ नहीं कर सकती, उसे धमकियां दे रही है। वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं कर सकती है। हम पापा से बात करेंगे ना, हम पापा के पास। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं नहीं देना चाहती। क्यों? मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं, मैं नहीं रहना चाहता। माँ बाप बनने वाले हैं। तुम गिरा दो, बच्चा गिरा दो। मैंने तुम्हें दवाई दी ना, उसको खाओ और जाओ। बच्चा गिरा दो। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं हूँ। मैं लेके छोड़ूंगा।
पैसे कैसे ले लोगे? मेरी मर्जी। अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। क्यों नहीं छोड़ोगी? क्यों? उसका मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं है। खराब करने के लिए मेरी जिंदगी मिली थी। तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम कर तो रही हो, तुम गाड़ियों में घूम रही हो बड़े बड़े, आपके इतने यही ऐशो आराम होता है? क्यों? खाने पीने में किसी चीज में तुम्हें कुछ कमी है? ऐशो आराम होता है, एक औरत की जिंदगी पैसा, में ये सब मेरा ही सब कुछ होता है। मेरा बिजनेस जो है वो किसके लिए? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा है, बच्चे को गिरा दो खत्म। अच्छा बच्चा गिरा दो? तुमने तो बहुत आराम से बोल दिया, बच्चा गिरा दो। क्यों? मेरी खुशी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, ना मैं बच्चा गिराऊंगी। उस औरत की वजह से बहुत जिंदगियां खराब होंगी ममता, मैं बोल रहा हूँ। बात कर लेंगे ना पापा से? क्या बात करोगी? सॉर्ट आउट करेंगे। क्या बात करोगी? बात करूंगी पापा। क्या बात करोगी पापा से? एसपी है, एसपी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा उसकी बहुत बड़ी पहुँच है ममता, बहुत बड़ी पहुँच है उसकी, समझो मेरी बात। अगर तुम नहीं चाहते, अगर उसने मुझे मार दिया तो क्या करोगी? वो भी मेरे से इतनी नफरत है ना। चलो ये अपने हाथों से मुझे पिला दो। लाओ मैं पिला देता हूँ। लो पी लो। अरे यार था धुआ। कौन है भाई? इतना जल्दी काहे भूल जाते हो सर? हम ही हैं। हो गया ना प्रूफ आपको? क्या हो गया सर आपको? किसी और की वजह से अपने बीवी को मारना चाहते हो? मैं परेशान हो गया हूँ भाई, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं दो तरफ से, घर वालों की तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या करूँ मैं? तब उसका जान मारोगे? उसका क्या गलती है? आप खुद ही नहीं इतना सारा बात बोल रहे थे। मैंने बोला मैं परेशानी में हूँ, मैंने इसको बोला मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं बुलाए थे सर, सारा चीज बता रहे थे किसी मॉडल से रिलेशन। सुनो ना आप इनके साथ हो, लेकिन इनके ये भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये किसी मॉडल के साथ रिलेशनशिप में थे आपके शादी से पहले। वो लड़की सब कुछ करा रही है, वो धमकी दे रही है, वो जो बच्चा वाला बात सुनो ना, जो तुम 3 साल से बाजन जो तुमको लोग बोल रहा था ना, वही वो सब वही लड़की कर रहा थी। इनकी माँ का इसमें कोई चाले नहीं है, पूछो यहीं पे है। ये सच है? हाँ ये सच है, मैंने तुमसे छुपाया। तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। जब तुम उसके अपनी मरी हुई माँ को ब्लेम कर रहे हो, अपने बहन भाइयों को बीच में ला रहे हो। मैंने सिर्फ उसके वजह से उसका गया भार में ना, क्या उसके बोल रहे हो? मेरी जिंदगी खराब करी है उसी ने। जिंदगी आप अपना खुद से खराब कर रहे हो ना, किसी के जाने आने से कुछ होता नहीं है सर। बस दिमाग में एक भरम हो जाता है कि वो हमको बर्बाद कर देगी। इतना किसी में औकात नहीं होगा किसी को बर्बाद करने के लिए। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उसका मैं क्या करूं? और इस बच्चे की क्या गलती है? जब वो दुनिया में आने वाला है तो उसको आप मार रहे हो यार, उसके खिलाफ केस करो। क्या वायरल करेगी आपका वीडियो? फोड़ो ना, उसका इज्जत नहीं जाएगा। उस वीडियो में वो भी होगी ना कि आप ही हो गए सिंगल। मैं बहुत दुखी हूँ यार, मेरे दोस्त में बहुत दुखी हूँ। दुखी हो सर, इसमें शांति से काम कीजिए। हबड़ाने से घबराने से कुछ होगा नहीं। मैं इसका भी बुरा नहीं चाहता, मैं इनकी जान बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। तलाक लेना पूरा सामने हो गया ना, पूरा मैं देखे कैमरा लगाए हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए भैया, कोई चीज का फैसला जो ना इतना जल्दी मत लीजिए आप, बात समझ रहे हैं ना? मैं क्या करूं यार, मैं क्या किया जाए? वो मेरे को नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं, मैं कभी ब्लेम भी नहीं करूंगी। हम पापा से बात करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे। पापा उसके एसपी है, करेंगे। हबड़ाइए मत सर, हर इंसान से गलती होता है लेकिन उसका समाधान होता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, अरे मेरे घर वालों को उठवा देगी। बहुत खतरनाक हो रहा है। सुनिए ना, हर नहीं कर सकती है, हर किसी के लिए कानून बना है। अगर आप गलत किए ना तो वो भी गलत किए। आपने तो शादी का प्रस्ताव रखा था ना, वही ना नहीं की शादी रवि मेरे लिए, इस बच्चे तो उसके वजह से आपने पूरा परिवार बर्बाद करने जा रहे हैं सर, एक लड़की की वजह से। क्या करूं मैं, बहुत दुखी हो गया। उसके खिलाफ केस करो सर, उसके पापा एसपी है ना, ये तुमको पता ही नहीं था? मेरे पापा एसपी है, हम निकालेंगे ना सॉल्यूशन। चलो मैं उस, तुम अगर यही चाहती हो ना, मैं चाहता हूँ मैं उसका पीछा छोड़ दूँ। वो मेरा हम लोग केस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, सबसे ज्यादा बेटर ही रहेगा। ज्यादा सोचिए मत सर, इन चार लोगों के लिए, उस एक ने इन चार लोगों के लिए मेरे को कितना परेशान करा, कितना चौंकाने वाला है। एक पापा आपके घर पे है, सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, समाज में आपके पापा का इज्जत होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। वो भी अच्छी खासी फैमिली से, उसके फैमिली वाले क्या बोलेंगे बताइए ना आप ही? क्या आप उसको डिवोर्स देने वाले हो?
ना कुछ गलती हो किसी लड़की के वजह से, 3 साल से आप लोग दोनों पति पत्नी का तो लाइफ है लेकिन अलग अलग जी रहे हो। भाई तुमने मेरे को आज जगा दिया। हम नहीं जगाए सर, आप जागृत कर दिया सर। मैं केस करो, मैं लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था एक उस औरत की वजह से। उस औरत ने मेरे को कैसे कठपुतली की तरह नचाया है ना, वो मैं ही जानता हूँ। कितना बर्दाश्त किया मैंने, कितना अपनी बीवी को गलत गलत दवाइयाँ दे दे के। उधर देखो, उधर सारा चीज लगा हुआ, उनको भी वो। आप लोग भी ऐसा कुछ गलती मत करो यार, जैसे मम्मी पापा का सर झुक। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। थैंक यू, आपने हमारी लाइफ बचाई। हमने नहीं बचाया सर, आप बस, आपको भगवान ने, आपको खुद समझ आ गया। आप खुद समझदार हो सर, आप भी समझ सकते हो कि आप जो कर रहे थे वो गलत था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ। अगर आप लोग बताओगे तो वीडियो हम डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं, आप डालिए। लोगों को पता चलेगा कि कैसे ही फंसे हुए थे। ये वीडियो भी जाएगा, उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रूफ होगा पूरा, हर जगह वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ जी सर, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए।